हेलो दगड़ियों, राम राम। रात का समय हो रहा है 8 और मैं जा रहा हूँ ऊपर धूनी में अपनी माता के दर्शन करने के लिए। मैं हूँ अकेला और कोई कोई भी नहीं है, कोई खतरा नहीं है बाप का, डर के आगे जीत है। आइए हम जा रहे हैं ऊपर धूनी में, दिखाते हैं आपको रात का धुंध का दृश्य अपने ग्राम सूर्य का। भूख है जो खा, खाना खा लिया? अरे हम ही हैं पंकज। अच्छा, मैं यार नहीं खा रहा। अच्छा ठीक है ठीक है। ये है यहाँ पे आखिरी घर, इसके बाद कोई घर नहीं है। मैं हूँ, मेरे टॉर्च है और है मेरी हिम्मत, जो रात को अकेला ही चल पड़ा हूँ। कल भी मुझे बाघ दिखा था अपने घर के जंगल में, तो मैंने किसी को नहीं बताया। ऊपर बजी मंदिर घंटी, मेरी हाथ थोड़ा उड़ गई। प्यारी जन्मभूमि, अभी यहाँ कोई भी नहीं था, मेरे अलावा सिर्फ मैं ही हूँ। अकेला ही जा रहा हूँ ऊपर अपने धुनी में अपनी माता के पास, उन्होंने बुलाया है इसलिए मैं जा रहा हूँ। क्योंकि मेरे दिन में इच्छा थी कि मैं रात को यहाँ आऊँ, माता की वीडियो बनाऊँ, वही फिर कल निकलना है अपने को। इसलिए हर हर महादेव, जय शिव शंभु। दोस्तों पहुँच गए अपनी धुनी में, यहाँ हमने लगाई थी लाइटिंग दिवाली के अवसर पर। ग्राम सूर्य वाले जो वीडियो को देखेंगे, मैं चाहता हूँ कि अगली दिवाली में जो हमारी धुनी है वो इससे भी ज्यादा चमकनी चाहिए। क्योंकि इतने अच्छे पावन मौके पर हमारी धुनी में सुनसान अच्छी लगती है, तो अगली बार की दीपावली भी मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी ग्राम सूर्य वाले हैं घर आए या धुनी के लिए कुछ ऐसा करें, ताकि दूर से भी उसके लोग देखें और चमके हमारे इस ग्राम सभा सूर्य का नाम हो। यहाँ के लोग इस पावन मौके पे भी अपने देवी देवता को भूलते नहीं हैं। तो चलिए आते हैं आपको इसका निर्मल दृश्य, बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ पंकज मिश्रा, यहाँ है मेरा मुकुट, मैं पला बड़ा यही हूँ। तो मुझे इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ का लिए प्रेम है, तो आइए आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों रात को ये फूल भी कितना अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हो ये अपनी धुनी। रात को रात का दृश्य, जिस टाइम पे यहाँ सप्ताह की आती है उस समय यहाँ बहुत चहल पहल होती है इस टाइम पे भी, बट अभी यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ बहुत सन्नाटा है। यहाँ हमारे गणेश जी विराजमान रहे हैं और यहाँ कबूतर भी हैं ऊपर, और आपको दिख रहा होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए वहाँ कबूतर, देखिए रात को यहीं बैठते हैं। और ये हमारी धुनी, हर हर महादेव, जय जय शिव शंभो। ये हमारे भगवान, मैं भी अकेला ही हूँ तो मुझे कोई डर भी लग रही है यहाँ पे, क्योंकि मेरे साथ मेरे देवी देवता हैं, तो डरने की क्या बात है। तो रात को जैसे कि अभी यहाँ सन्नाटा है, तो हो सकता है अगली बार की दीपावली पे लोग आएंगे तो यहाँ कीर्तन भजन किए जाएंगे छोटी दीपावली पे राम पे, तो इससे हमारी सबकी उन्नति होगी। देखिए हमारी माता के पास जो हमारा मेन मंदिर है माता का, तो चमक रहा है ये देखिए। चलिए अब आपको दिखाते हैं धुनी का दृश्य ऊपर से रात को, आइए। तो दगड़ियों ये है अपनी धुनी जो रात को दिखती है कुछ ऐसा। वो तो शुक्र है यहाँ पे जो लगाया है सौर ऊर्जा लाइट, तो इसके थोड़ा सा यहाँ पे रोशनी हो गई है धुनी पे, थोड़ी सी आकर्षण लग रही है। बाकी पार्क या आप लाइटिंग देख सकते हो, लोग घर में बहुत आए दीपावली के। बाकी हमारे सूर्य गांव में इतने लोग नहीं है रात को। ये लगा है यहाँ पे लूटा, और ये पारबखी में लोगों ने सही लाइन लगा रखे हैं। कल मैंने भी दीपावली के मौके पर अपने घर में खूब डांस किया था, खूब इंजॉय किया था। तो
अगली बार की दीपावली जब लोग चाहता हूँ कि लोग जब आए घर तो सब लोग साथ में बैठ के एंजॉय करें, एक प्रोग्राम करें धुनी में नाच गाने का, कीर्तन का, भजन का, जिससे कि गांव में खुशहाली आएगी, सुख समृद्धि आएगी, लक्ष्मी माता हर किसी के घर में प्रवेश करेगी। अब मैं चल देता हूँ अपने घर को नीचे अकेले, क्योंकि मैं यहाँ पर अकेला हूँ। अब हो सकता है रात को मैया से मिलने के लिए उनके सेवक आए, सेवक जैसे कि बाघ आते रहते हैं यहाँ पे धुनी में, ऊपर उसकी गुफा भी है, बाघ की वहाँ आकर विश्राम करता है। और यह है अपने धुनी जहाँ लोग भंडारा, यह है भंडारा कक्ष, वो भंडारा भुंडारा करते हैं। बाकी ये नीचे है अपना भैरव थान, और नीचे ये बॉबीदा करांग लगा रहे लाइट चमचम, बॉबीदा करांग का छीने नहीं, बॉबीदा करांग नहने पूरे मूण का जहाजू मुझे याद नहीं आमायल। और यह अपना पार निरकोट, और वो अपनी माता नैथना देवी ऊपर टॉप में जो आपको लाइट दिख रही होगी, जो सूर्य के हैं उन्हें पता है कि नैथना देवी यहाँ से कहाँ कहाँ करके एंगल। और पार को दिख रहा है मेरा घर, मेरा खरक, छोटी सी लाइटिंग जो दिख रही है आपको, सबसे पहले नीचे से स्टार्ट हो रही है जो लाइटिंग, फिर ऐसे ऊपर को जा रही है, ये नौबाड़ा वबाड़ा होते हुए आती है, फिर आती है सीधा दौले में, वो जो सामने है एकदम दौला। और अब हम चल रहे हैं, और लोगों ने लगाए यहाँ मस्त मस्त गाने। तो दोस्तों सपोर्ट करें अपने इस ग्राम सूर्य के चैनल को, उत्तरस का नाम उत्तराखंड फ्लेवर है, ताकि कोई इस चैनल पर अपना हक नहीं जा सकता, ना ही मैं इस चैनल पर अपना हक जता सकता, ये चैनल मेरा है, ये हम सबका है। मैं इस बार की सप्ताह में घर नहीं आया था, नहीं तो पूरा सप्ताह का लाइव प्रसारण में दिखाता सबको, ताकि लोग देख सकें। और अब मैं चला गया हूँ नीचे घर को, दगड़ी में आ गया हूँ धुनी से, और ये ऊपर है घर हरदा करा का, यूँ करी धुड़ करांक। और मेरा चेहरा आपको दिख नहीं रहा क्योंकि टॉर्च हो गया है नीचे, मतलब कि मुझे अपनी माता से मिलना था तो मुझे कोई डर नहीं थी, मैं चला गया अकेले, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। अब मैं जा रहा हूँ अपने घर बूबू के पास, अब मैं जाके सो जाऊँगा क्योंकि माता के हो गए हैं दर्शन, मैंने अच्छा समय व्यतीत किया है अभी अपनी माता के साथ। नीचे कुछ दिख नहीं रहा है मेरे को, खतरनाक रास्ता है। तो दोस्तों आ गया हूँ मैं धुनी से, अगल बगल सिर्फ अंधेरा है चारों तरफ, कुछ नहीं है, लोग भी नहीं हैं, सब सो गए हैं। आज है छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली मैंने मनाई है अपने घर जो है ग्राम खरक, छोटी दिवाली बना रहा हूँ मैं अपने ग्राम सूरे में, ये भी मेरा घर ही है, ये बचपन से पला बड़ा मैं यहीं पर ही हूँ। तो अब चलते अपने ब्लॉक करते हैं बंद, देखते रहें सब खुश रहें कि घर में सुख शांति हो। जय राम, जय जय सियाराम, हर हर महादेव।